Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying well. So, आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी पार्ट टू का. चैप्टर नंबर वन होम्योस्टेसिस से ही वो लेक्चर है, और लेक्चर का जो टॉपिक है वो ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन हम बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो कि वहाँ पर आपको ऑस्मोरेगुलेशन की पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी. लेकिन अभी इस लेक्चर से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में, क्योंकि हमने एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन को आज स्टडी करना है. तो ऑस्मोरेगुलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ऑस्मोरेगुलेशन क्या होते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर सॉल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखता है. ठीक है, इट मीन्स के गेन एंड लॉस ऑफ वाटर को मेंटेन करना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, बैलेंस्ड रखना, वो ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है. टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. वाटर क्या है? वाटर जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है. 70% वाटर हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये मीडियम ऑफ लाइफ है. इसके बगैर लाइफ का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका क्रिटिकल बैलेंस बहुत ज़रूरी है. अगर हम सॉल्यूट की बात करते हैं, सॉल्यूट क्या है? आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. और सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी अमाउंट लेस होती है. जो लेस कंसंट्रेशन में सॉल्यूट के अंदर पाया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है. ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर लेस कंसंट्रेशन में जो होगा. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं. इन्वायरमेंट्स जो हैं थ्री टाइप्स के हैं, हाइपरटॉनिक है, हाइपोटॉनिक है एंड आइसोटॉनिक है. ठीक है, हाइपर में हमने ये बात की थी कि हाइपरटॉनिक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सॉल्ट्स की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर. तो हाइपर के अंदर वाटर तो कम है लेकिन सॉल्यूट ज़्यादा है. हाइपो जो है वो हाइपर के इनवर्स है. ठीक है, हाइपो में वाटर ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होंगे. इट मीन्स ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट इन्वायरमेंट होगा. और ऊपर वाला जो हाइपर है ये कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट होगा. ठीक है, और आइसोटॉनिक की अगर हम बात करते हैं तो आइसो मीन सेम होता है. इसमें ऐसा हम कह लें कि इन्वायरमेंट होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन बिल्कुल सिमिलर होगी. इसमें कोई कंसंट्रेशन का डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा. वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस्ड होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे. सो ये थ्री टाइप्स के एनवायरनमेंट हैं, इनका हमने थोड़ा सा पढ़ लिया ओवरव्यू. अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. आपको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं. ठीक है, और हर तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए उस एनिमल को अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं, ताकि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके. उसकी बॉडी इस तरह से उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाए कि उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. तो डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के लिए एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो इनको हर इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट बनाते हैं. तो दो तरह के हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे. टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स आज हमने पढ़ने हैं. ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे अगर हम देखें तो एनिमल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें आप कहते हैं ऑस्मो कॉन्फर्मर्स. ठीक है, दूसरी कैटेगरी वो है जिसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स. अंडरस्टैंड? तो ये दो कैटेगरीज हैं हमारे पास. द वन इज ऑस्मो कॉन्फर्मर्स एंड सेकेंड इज ऑस्मो रेगुलेटर्स. यहाँ पे तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रेगुलेटर्स हैं तो रेगुलेट करेंगे. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप दोनों को पढ़ लेते हैं और इनके अंदर बहुत ही बेस्ट डिफरेंस आपको पता चल जाएगा.
कंपैरिजन करके हम इनको देख लेंगे. ओके, पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की. अंडरस्टैंड? सो व्यूअर्स, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं अपनी बॉडी को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं. अंडरस्टैंड? मतलब ये हुआ कि जहाँ रह रहे हैं अपने आप को उसके मुताबिक कर लेंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइपोटोनिक में रह रहे हैं तो अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट भी ये हाइपोटोनिक कर लेंगे. ठीक है, हाइपर में रह रहे हैं तो अपनी बॉडी को भी ये हाइपरटोनिक कर लेंगे. मतलब ये कि जहाँ रहना है अपनी बॉडी को उसके मुताबिक कर लेना है. तो एडजस्ट नहीं करना, एक्टिव एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, अडेप्टेशन की ज़रूरत होगी. ये अडेप्ट करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम आते हैं, जब देखें अडेप्टेशन ही हो जाएगी, मतलब बॉडी अडेप्ट हो गई है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो फिर जैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वैसा ही बॉडी का इन्वायरमेंट होगा. तो इट मीन्स दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे. ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और ये हुआ कैसे है? क्योंकि बॉडी में अडेप्टेशन आई है, तो जैसा बाहर का इन्वायरमेंट है वैसा ही बॉडी का इन्वायरमेंट है, तो कोई चेंज है ही नहीं, इसलिए आइसोटोनिक हो गया ये. अंडरस्टैंड? अब देखें, जब बॉडी आइसोटोनिक है, इन्वायरमेंट आइसोटोनिक है, तो फिर कोई एक्टिव एडजस्टमेंट की ज़रूरत तो है ही नहीं, कोई एक्सचेंज की ज़रूरत तो है ही नहीं, तो इसलिए इनको किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्टिव एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट. सो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मो कॉन्फर्मर्स. अगर हम की एग्जांपल्स लें तो उसमें हमारे पास मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं. ठीक है, मतलब जो इन्वर्टिब्रेट्स मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं वो हमेशा ऑस्मो कॉन्फर्मर्स की तरह बिहेव करते हैं. फिर हैगफिश है, शार्क है, ठीक है, इस तरह कुछ क्रैब्स भी होते हैं जो इनकी हम एग्जांपल में डिस्कस कर सकते हैं. सो ऑस्मो कॉन्फर्मर्स के बारे में आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा क्लैरिफाई हो गया होगा. अब हम चलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की तरफ. सो डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटर्स हैं, इन्होंने रेगुलेट करना होगा, ये अडेप्टेड नहीं होंगे, इन्होंने एडजस्ट करना होगा. ठीक है, ये जिस इन्वायरमेंट में जाएंगे खुद को वैसा नहीं बनाएंगे बल्कि उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे. अंडरस्टैंड? दे डू नॉट अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. फिर जब इन्होंने अडेप्ट ही नहीं किया खुद को, इनकी बॉडी अडेप्ट नहीं हुई, तो इट मीन्स कि जो बॉडी की फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, तो बॉडी और एक्सटर्नल इन दोनों के दरमियान कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, फ्लूइड कंसंट्रेशन का. फिर जब डिफरेंस है, मतलब बाहर कुछ और इन्वायरमेंट है, बॉडी का कुछ और इन्वायरमेंट है, तो जहाँ पर डिफरेंस आता है वहाँ पर फिर एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्टमेंट के लिए हमेशा हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो एक्टिव एडजस्टमेंट करनी होगी तो एनर्जी तो चाहिए होगी ना. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो हाइपर में सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको बॉडी से सॉल्ट रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि बाहर भी सॉल्ट ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जब आप करते हैं तो फिर एनर्जी यूटिलाइज होती है. अंडरस्टैंड? अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो उसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. सो इसका अगर हम कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं तो ये ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल है. ठीक है, तीनों तरह के इन्वायरमेंट डिस्कस किए हुए हैं. देन यहाँ पे ऑस्मो कॉन्फर्मर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई गई है, ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिस्कस किया गया है विद एग्जांपल्स. आई होप कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक. थैंक यू सो मच.